डमित्री इवानोविच मेंडलिव 1834 से 1907। रूसी रसायनज्ञ मेंडलिव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ रूसी रसायन उद्योग और खनन के आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पेट्रोलियम की उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। रसायन शास्त्र अध्यापन की एक नई पद्धति विकसित करने के उनके प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्वों की आवर्त सारणी को व्यवस्थित स्वरूप मिला। 4.6 मेंडेलिव का वर्गीकरण, मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन। तत्वों का वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडेलिव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। जब मेंडेलिव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु भार एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलिव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बने यौगिकों को चुना, क्योंकि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूह बनाने पर उन्होंने पाया कि तत्व अपने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। उन्होंने अधिकांश तत्वों को एक सारणी की तरह व्यवस्थित कर दिया, जिसमें समान गुणधर्म वाले तत्व एक दूसरे के नीचे आते थे। यह भी देखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आते हैं। इस आधार पर मेंडेलिव ने आवर्त नियम बनाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या वर्ग ग्रुप कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियड कहते हैं। मेंडेलिव आवर्त सारणी का प्रकाशन 1872 में एक जर्मन पत्रिका में हुआ। सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र दिए गए, जिसमें अंग्रेजी का अक्षर R समूह के किसी तत्व को प्रदर्शित करता है, अर्थात कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया। मेंडेलिव ने किसी तत्व की समूह में स्थिति का निर्धारण उसके यौगिकों के आधार पर किया। यौगिक के सूत्र द्वारा तत्वों की संयोजकता ज्ञात की। किसी वर्ग या समूह की क्रम संख्या उस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता दर्शाती है। जैसे जिस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र R2O है वे प्रथम समूह में, और जिनका सूत्र RO है उन्हें द्वितीय समूह में रखा गया। क्या आप बता सकते हैं कि तृतीय समूह के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1, 2 और 3 हैं। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडेलिव के द्वारा एक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, जिसे मेंडेलिव आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडेलिव ने तत्वों के परमाणु भार तथा उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उनके अनुसार परमाणु भार तत्वों को वर्गीकृत करने हेतु आधारभूत गुण है। उन्होंने ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार तथा गुणों के क्रम में व्यवस्थित किया। इस प्रकार 63 तत्वों वाली प्रथम आवर्त सारणी तैयार हुई, जिसे मेंडेलिव आवर्त सारणी कहा गया। 4.6.1 मेंडेलिव आवर्त सारणी की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। पहला, तत्वों के अध्ययन में सहायक। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, वहीं एक वर्ग के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है।
अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मेंडेलीफ की आवर्तसारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायक। मेंडेलीफ ने अपनी आवर्तसारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए थे। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडेलीफ ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर किया। उदाहरण के लिए, बाद में खोजे गए तत्व स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकन कहा। तीसरा, संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजक न मानकर द्विसंयोजक माना और उसका स्थान लिथियम और बोरॉन के बीच रखा गया। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया गया। चौथा, अक्रिय गैसों को स्थान। मेंडेलीफ के समय तक हीलियम, नियोन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। जब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग समूह बनाकर आवर्त सारणी में नौवां स्तंभ शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रेमसे द्वारा जोड़ा गया। मेंडेलीफ पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक सभी ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत किया। उनका अनुमान था कि भविष्य में नए तत्वों की खोज होगी, इसलिए उन्होंने नए तत्वों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान रखा। इस प्रकार मेंडेलीफ आवर्त सारणी नए खोजे जाने वाले तत्वों के गुणधर्मों की पूर्व घोषणा करने में सफल हुई। उदाहरण के लिए, मेंडेलीफ के द्वारा तत्व गैलियम की भविष्यवाणी की गई। उन्होंने इस तत्व को एका एल्यूमिनियम नाम दिया। इस तत्व के लिए परमाणु भार, घनत्व, गलनांक, संयोजकता, खोज के तरीके तथा ऑक्साइड के सूत्र के संबंध में मेंडेलीफ के द्वारा प्रस्तुत किए गए मान गैलियम के अधिक निकट पाए गए। मेंडेलीफ के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, फिर भी आवर्त सारणी इस प्रकार तैयार की गई थी कि बाद में जब उनकी खोज हुई तो उन्हें आवर्त सारणी में बिना किसी बड़े बदलाव के अलग स्थान दिया जा सका। 4.6.2 मेंडेलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीफ्स पीरियोडिक टेबल। पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित। हाइड्रोजन चार धातुओं के आयनों Na+, K+ आयन की भांति H+ आयन तथा हेलोजन आयन Cl-, Br- आयनों की भांति H- आयन भी बनाता है, इसलिए यह निश्चित नहीं किया जा सका कि उसे किस वर्ग में रखना उचित होगा। दूसरा, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। संयोजकता के अनुसार रखे जाने पर कुछ स्थानों पर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया जो मेंडेलीफ नियम के अनुसार नहीं है, जैसे कोबाल्ट परमाणु भार 58.9 को निकेल परमाणु भार 58.7 के पहले रखा गया। तीसरा, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अतः उन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए, परंतु मेंडेलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। चौथा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। मेंडेलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडेलीफ हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं दे सके। हाइड्रोजन क्षार धातुओं के समान गुण प्रदर्शित करता है, साथ ही हेलोजन तत्वों के समान भी गुण दर्शाता है।
एक ही तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं, अतः प्रत्येक समस्थानिक को आवर्तसारणी में अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था। चूंकि समस्त समस्थानिक रासायनिक रूप से समान थे, इसलिए उन्हें एक ही स्थान दिया गया। आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को उनसे कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। इस प्रकार समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सका, किंतु यह मेंडेलीफ आवर्त नियम के विपरीत हुआ। उदाहरण के लिए चौथे आवर्त में कोबाल्ट परमाणु भार 58.9 को निकेल परमाणु भार 58.7 के पहले रखा गया।